Hi friends, today we are going on the day 3 trip at Port Blair. We will start with Manjeri Jetty. ये हम लोग का जो होटल है वहाँ से काफ़ी दूर में था, तो लगभग 1.5 घंटा लगा हम लोग को जाने के लिए. वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग को लग रहा था कि कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कैसा जंगल पे आ गए, कुछ भी नहीं है. बट आवर व्यूज गॉट चेंज्ड. वी आर स्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट लाइक ऑन दिस साइड ऑफ द जेटी एंड वी वॉज ओनली व्यूइंग टूवर्ड्स द मैंग्रोव फॉरेस्ट. बट ड्राइवर ने बताया कि सर थोड़ा आगे चल के देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. सो वी वर्कड अराउंड द जेटी, एकदम किनारे पे गए हम लोग. और वहाँ पे जाके हम लोग को सबसे अच्छा मरीन लाइफ देखने को मिला, सिमिलर टू एन एक्सपीरियंस वर द स्कूबा डाइवर्स गेट टू हैव लाइव कोरल्स, डेड कोरल्स, साथ ही साथ में ब्यूटीफुल फिशेस. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना कुछ यहाँ पे दिख रहा है, एकदम साफ. तो आप लोग जब भी प्लान बनाओ सुबह के टाइम पे आपको जाना चाहिए. एंड एज यू सॉ वी नीडेड परमिशन टू गेट इनटू दिस एरिया, सो जो भी आपका टूर ऑपरेटर होगा दे शुड अलाइन दिस थिंग फॉर यू. अगर आप खुद से कर रहे हो तो प्लीज़ टेक प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस एंड डेफिनेटली मेक अ पॉइंट टू गो एंड विजिट इट. काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा लगा. सो लाइक आई सेड, सुबह का ही प्लान बनाइएगा क्योंकि दोपहर या शाम तक जाएंगे तो पानी विल बिकम यू नो मोर ऑन द पीक एंड इट विल नॉट लुक ट्रांसपेरेंट एंड नॉट गेट अ क्लियर व्यू. जैसे कि आप लोग देखें दोस्तों, कुछ कुछ ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे चीज़ देख रहे थे, दोज आर ऑल माइग्रेटरी बर्ड्स. इट विल फॉल ऑन द वे, सो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रीट टू द आईज. After this, we straight away headed to our hotel for breakfast. So this is the interior of the Seashell Coral Cove restaurant. They had a very good spread in the morning breakfast, ranging from South Indian cuisine to North Indian as well as Italian. So we had a great breakfast. After this, we will be going to the next viewpoint. And as you can see, we are taking the route for Mount Harriet. माउंट हैरियट जाने के लिए दोस्तों हम लोग को पोर्ट ब्लेयर का एक जेटी के तरफ जाना है. एंड ये जो क्यू आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्यू है दूसरा ट्रॉलर पर चढ़ने के लिए. तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, आपको ट्रॉलर से ही दूसरा तरफ जाना है. यू कैन गो बाय रोड बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सो पीपल प्रेफर दिस रूट. तो आपको, आप अगर गाड़ी से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, तो जो भी हो आपको ट्रॉलर के ऊपर सब कुछ वैसे ही जाना है. लाइक द इवन द कार्स विल बी गेटिंग ट्रांसपोर्टेड इन द ट्रॉलर्स. सो ये एक अलग एक्सपीरियंस हुआ हम लोग का, लाइक पैदल ऐसा कभी नहीं हुआ. सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, वी आर नाउ डिसेंडिंग फ्रॉम दिस ट्रॉलर. इसी ट्रॉलर से हम लोग उस पार से इस पार की तरफ आए. एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड बैम्बू फ्लैट. तो यहाँ से हम लोग को जाना है माउंट हैरियट. तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए अराउंड 30 मिनट्स राइड के बाद. सो एज यू कैन सी, यहाँ पे भी एक परमिशन का बात था. सो वी टुक अ परमिशन एंड वी रीच्ड हियर. सो एक पॉइंट तक ही गाड़ी आपका जाएगा, उसके बाद आपको पैदल चलना है. सो ऑन द वे यू विल सी सम लाइक डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स यू माइट गेट टू सी एट दिस पॉइंट. तो दिस एरिया वॉज क्वाइट ब्यूटिफुल. यहाँ पे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और ये एक व्यू पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो. और आगे जाके भी व्यू पॉइंट है, यहाँ पे 3-4 व्यू पॉइंट एक साथ है बेसिकली. एंड इट्स क्वाइट अ सेक्लूडेड प्लेस एंड इट्स टॉप ऑफ द माउंटेन. तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है ये. और यहाँ का वेदर जो है काफ़ी गर्म था, लाइक बिकॉज वी केम इन द आफ्टरनून टाइम. सो आप अगर प्लान बना सकते हो इवनिंग टाइम के लिए तो वो ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा. After this area visit, we came for lunch. आसपास में एक ही जगह था, सो जो आपको हम अभी दिखाए तो वहीं पे हम लोग लंच किए. लंच करने के बाद दोस्तों, we are going to the most thrilling and exciting part of today's trip. We are going to a place called Wright Mayo. Over there, live crocodile sighting का उम्मीद रख के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टूर गाइड बताया है कि वहाँ पे जाके लाइव क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा. And finally, we have arrived at this place. This falls under the Ministry of Forest Affairs on Andaman and Nicobar Islands. तो ये जगह का नाम है राइट मेयो क्रिक टूरिज़म. तो आप यहाँ पे जब एंट्री करोगे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अथॉरिटी से एंड दे विल टेक यू थ्रू द वाटर वेज. यू विल बी ऑन अ बोट एंड इफ़ यू आर लकी एनफ देन यू विल बी गेटिंग टू सी लॉट्स ऑफ क्रोकोडाइल्स अराउंड यू. तो चारों तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है दोस्तों, और कुछ नहीं है यहाँ पे. काफ़ी डरावना सीन है, लगेगा आपको अमेजन जंगल पे आप आ गए हो. सो दिस इज़ द लाइट हाउस. वी वेर रियली लाइकिंग दिस एडवेंचर ट्रिप. आपको ऊपर जाके दिखाते हैं कितना सुंदर व्यू है. देखिए दोस्तों हाउ इट लुक्स. तो ये सिर्फ इतना छोटा नदी नहीं है, काफ़ी बड़ा है. दिस इज द बैक वाटर्स.
and it stretches even to islands such as Bharatang, where you get to see the Jarvas. So बहुत ही रोमांचक जगह था ये. अभी हम लोग बोट पे चढ़ने वाले हैं and hoping to see some crocodiles, because that is the whole thing for which we came this long way. काफ़ी देर लगा हम लोग को आने में, लगभग एक घंटा लगा वहाँ से आने के लिए. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, हम लोग का मोटर बोट स्टार्ट हो गया, हम लोग नीचे उतरे और चढ़ गए. एज सून एज वी बोर्डेड दिस बोट, यहाँ पे बारिश चालू हो गया, तो इसका नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था. आप नज़ारा देखिए दोस्तों, चारों तरफ खाली जंगल है और बीच में आपका नाव जा रहा है. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव chills down your spine. So यहाँ पे दोस्तों, जब आप आओगे please ensure that you come during the low tide, तभी आपको ये दिखने का chances रहता है. Like in the morning we went to Manjeri Jetty like I showed you, तो हम लोग को सुबह पहले यहाँ पे आने का plan था, but the tour guide guided us कि आप उस time पे जाओगे तो वहाँ पे high tide रहेगा, तो crocodiles देखने का chances काफ़ी कम हो जाएगा. तो finally दोस्तों यहाँ पे देखिए, we can see this crocodile. So we are now going towards it. तो आप मॉर्निंग टाइम पे मत आइए, आप इवनिंग टाइम पे आइए अगर आपको पता रहेगा कि उस टाइम पे लो टाइड रहेगा. और अगर आपको पता है कि लो टाइड सुबह का टाइम पे रहेगा, तो सब सुबह को ही आइए. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, कितना बड़ा साइज़ का क्रोकोडाइल है ये. हम लोग सामने जा रहे हैं अभी. वी फील सो एक्साइटेड टू विटनेस दिस स्पेक्टेकुलर व्यू. तो दोस्तों यहाँ पे if you come with a larger group, you know, they can even arrange for lunch. Like they will take you to the middle of this mangrove islands and they will put a halt and they will cook food and they will set up live counters. So definitely a must try if you are having a larger group. So on the way back home we witnessed a ship from Indian Navy. This is part of Indian Navy, and we did some shopping as well. So hope you liked our video. If so, please like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you so much.